नमस्कार, आप देख रहे हैं मगर टीवी। केंदुई पंचायत भवन सूर्य मंदिर के बगल में गया में नरोमा हॉस्पिटल के द्वारा निशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण का लगाया गया कैंप, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार ने मुख्य तौर पर हड्डी की जोड़, नस एवं गठिया विशेष स्पेशल डॉक्टर संजय कुमार ने खुद से लोगों की जांच की, साथ ही मुफ्त दवा वितरण किया। वहीं डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि गरीबों के लिए मुफ्त इलाज हमारे नरोमा हॉस्पिटल के द्वारा कैंप लगाकर जगह जगह पर पूरे गया शहर में दी जा रही है। इसके निवेदक के तौर पर साकेत सिन्हा उर्फ भगत सिन्हा वार्ड नंबर 46 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बताइएगा सर, मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा है, इसके पीछे का क्या है? ये आपका वार्ड नंबर 46 में शिविर का आज आयोजन किया गया है और ये ग्राम पंचायत है गांव में ही। कौन सा पंचायत है? ये ग्राम पंचायत है गांव का। लोगों को किस तरीके का सर यहाँ पे सुविधा मिल रहा है? ये नरोमा हॉस्पिटल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण का यहाँ व्यवस्था किया गया है। यहाँ डॉक्टर सब आए हुए हैं और जिनके हड्डी में दर्द है, मांसपेशी नस का दबाव जहाँ है, उस सब को देखा जा रहा है, दवाई वितरण किया जा रहा है, मलहम दवा दवाई भी जो है मुफ्त में यहाँ पर जी जी डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है। तो आपके पंचायत के जितने मरीज हैं सब यहाँ पर आ रहे हैं और इलाज करा रहे हैं? वो सारे आ ही रहे हैं, पहले से जानकारी दिया गया था, फेसबुक के माध्यम से भी दिया गया था और सारे आदमी आपका वार्ड के अलावे भी और सारे जगह से आ रहे हैं, आपका अलग वार्ड से भी आ रहे हैं। सबको यहाँ शांतिपूर्वक यहाँ सबका देखा जा रहा है, दवा वितरण किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने पूरे पंचायत वार्ड को? हम अपने वार्ड के सभी जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहते हैं, जितना कम समय में सभी को आके यहाँ इलाज करवाएं, ये मुफ्त शिविर का लाभ उठाएं। दवाएं जो दी जा रही है वो भी मुफ्त है या फिर उसका कुछ है? नहीं, वो सारे आपका दवा मुफ्त वितरण हो रहा है यहाँ। कौन से हॉस्पिटल डॉक्टर? ये नरोमा हॉस्पिटल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण यहाँ किया जा रहा है इलाज। डॉक्टर कौन डॉक्टर दे? जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम अपने अस्पताल में भी निःशुल्क सेवा देने के लिए हम तरह तरह का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, जिसमें उनको कुछ मरीजों को हम एक्सरे भी फ्री में कर रहे हैं, कुछ लोगों की जांच भी फ्री कर रहे हैं और वैसी आवश्यकता पड़ी तो वैसे गरीब मरीजों को हम लोग सर्जरी भी फ्री में करते हुए आए हैं और ऐसी ज़रूरत रही तो उनका भी फ्री में सर्जरी करेंगे। किस तरह की सर्जरी? वो जिस तरह का पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशन होगा उस रिस्पेक्ट से उनको एडवाइज किया जाएगा और उस रिस्पेक्ट से वो कैंप का तहत वो फायदा दिया जाएगा। आज दवा भी वितरण हो रहा है? हाँ, आज के चिकित्सा परामर्श के साथ साथ हेल्थ के बारे में जागरूकता भी किया जा रहा है कि आप कैसे क्या करें ताकि आप बेहतर स्वस्थ रहें। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो भी हम लोग निःशुल्क में देने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पवन त्रिपाठी, MD नरोमा हॉस्पिटल, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उस हॉस्पिटल के और हम लोग इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। जैसा कि हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर डॉक्टर पवन सर ने कहा कि हमारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवा वितरण, साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम होता है। अभी प्रत्येक महीने के संडे को हम लोग गया के आसपास के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में करते आ रहे हैं और ये हमारा रूटीन प्रोग्राम है। आज जो हम लोग केंदुई में उपस्थित हैं, इसका नेतृत्व वार्ड संख्या 46 के वार्ड पार्षद भगत सिंह जी ने किया। सबसे पहले इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कभी भी आपको किसी तरह का दिक्कत हो, हमारा टीम हमेशा तैयार है। आज यहाँ पे हम लोगों ने निःशुल्क दवा वितरण किया है, लोगों का परामर्श दिया है और जरूरत पड़ने पे उनको हॉस्पिटल में भी बुलाने का काम किया है, जहाँ पे उनको हम लोग बेहतर मदद कर सकें, उनको आर्थिक रूप से भी मदद किया जाएगा। COVID-19 का जो है दौर फिर से शुरू हो गया, तो इस पर क्या लोग? हाँ, सो देखिए, एक्चुअली अभी जो COVID-19 का दौर शुरू हुआ है डेफिनेटली, बट जैसा स्टडी कह रहा है ये बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा नहीं है पिछले बार की तरह, उतना क्षति नहीं पहुंचा रहा। बट फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेना है और प्रिकॉशंस क्या लेना है, हम लोग कोरोना को झेल चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी को पता है,
सेम प्रिकॉशंस को हमको ध्यान देना है और इससे ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग हॉस्पिटल में क्या क्या इसके लिए? सो हमारे हॉस्पिटल में एक्चुअली मुख्य रूप से ऑर्थोपेडिक्स का है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा टीम वर्क होता है, तो जो मरीज हैं जिस तरह से कोई कोरोना पेशेंट भी आते हैं या सांस से दिक्कत के साथ कोई भी पेशेंट आते हैं या इसके अलावा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट आते हैं, उनको एक बेहतर सुविधा और दलालों से हट करके, दलालों से कोई हम लोग का मतलब नहीं रहता है, जैसा कि ट्रेंड बन चुका है, हम लोग बिल्कुल उसके खिलाफ हैं और हमेशा इसके खिलाफ बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते रह रहे हैं और लोगों का सवाल बिल्कुल दलालों से मुक्त करते हुए करने का काम। सर, एक अहम सवाल है कि ऑर्थो का जितने भी ऑपरेशन होते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग और गरीब लोग अगर ऑपरेशन या इस तरह का कोई भी इलाज कराना चाहे, लिगमेंट वगैरह, आपका कहना तो क्या सुविधा है? बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, महंगाई सिर्फ चिकित्सा में नहीं है, महंगाई हर क्षेत्र में है और उसी में हमारा जो चिकित्सीय प्रणाली है वो भी अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम ऐसे मरीज जो ज़रूरतमंद हैं उनको लगातार मदद करते आया है और करते रहेगा। आप खबरों में बहुत बार देखे होंगे कि हम लोगों ने अपने खर्च से घुटने का प्रत्यारोपण भी किया है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो खबर में नहीं आए, लेकिन गरीब मरीज रहने पे हम लोग उनको मुख्य रूप से मदद करने का काम करते हैं, चूँकि हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, गाँव के लोगों के परेशानियों को भली भांति समझते हैं और निश्चित रूप से आपके माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि यदि वैसे मरीज जो बिल्कुल असहाय हैं, जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है हमारे हॉस्पिटल में और हमारा टीम एक बेहतर सेवा देगा। लेकिन हमारा हॉस्पिटल को भी एक खर्च होता है, तो हम लोग हर मरीज को, यानी जो पेइंग कैपेसिटी जिनको है उनको भी यदि हम कर पाएँ फ्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ मेंटेनेंस का भी खर्च होती है। लेकिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे और तैयार रहे हैं। ठीक है सर। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं नरोमा हॉस्पिटल में काम करता हूँ।